बयाना कस्बे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, रास्ते में तोड़ा दम। बयाना कस्बे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन प्रसूता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पर परिजन प्रसूता की डेड बॉडी को वापस अस्पताल ले आए, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ अस्पताल पहुँच गई और शव को रखकर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। हंगामा की सूचना पर डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा, कोतवाली थाना एसएचओ बाबूलाल गुर्जर, एएसआई जितेंद्र शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। करीब एक घंटे चली जद्दोजहद के बाद हंगामे से अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए ग्रामीण अस्पताल से बाहर आ गए। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मौके पर मौजूद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि दीवान शेरगढ़ ने अस्पताल संचालक और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। मामला बयाना कस्बे के पंचायत समिति रोड स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में गुरुवार रात 11 बजे का है। उधर ग्रामीणों के हंगामे से सदमे में आए अस्पताल के डॉक्टर महिपाल दांगी की तबीयत भी खराब हो गई, जिसे उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव बंगसपुरा निवासी गर्भवती महिला पूजा 25 वर्ष, पत्नी विक्रम गुर्जर की बीते बुधवार को डिलीवरी के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने सर्जरी ऑपरेशन से उसने एक नवजात बेटी को जन्म दिया। गुरुवार को अचानक प्रसूता पूजा की तबीयत खराब हो गई। हालत बिगड़ती देख प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन प्रसूता पूजा को भरतपुर जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने इलाज में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। कोतवाली थाना एसएचओ बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों को समझाइश कर मामला शांत कराया। फिलहाल मृतका की डेड बॉडी सीएससी की मोर्चरी में रखी हुई है। परिजनों की ओर से रिपोर्ट आने पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जब तक कृष्णा हॉस्पिटल के संचालक व उसके स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जांच नहीं होगी, जब तक हम बॉडी को नहीं उठाएंगे। क्यों कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरी हमारी बहन और जाए। हम नहीं चाहते कोई और जो कि शिशु अपनी जान को दे। हम चाहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जब उठेंगे, जब अभी यहाँ एक घटना हुई है, जो हॉस्पिटल है कृष्णा हॉस्पिटल, ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के लायक मरीज नहीं था, तो प्रसूता नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया और ऑपरेशन असफल होने के कारण एक औरत की जान गई और एक छोटी सी बच्ची है। मुझको लग रहा है कि जब उसकी माँ नहीं है तो बच्ची भी नहीं बचेगी। तो एक कप्तान सिंह डागोर नाम करके डॉक्टर है, उसका कोई हॉस्पिटल है, पूर्णतः लापरवाही से ये जान गई है। मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। तक